माँ के जयकारे से गूंजते मंदिर, घंटियों की ध्वनि, धूप दीप और फूलों की सुगंध, ये मंजर 9 दिन तक चलने वाले माता के नवरात्र के हैं। नवरात्रि का पर्व नवदुर्गा की उपासना का पर्व, आध्यात्म की गंगा में बहने का पर्व। कहा जाता है कि शक्ति के इस पावन त्योहार के दौरान की गई सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन माँ की भक्ति भी तभी सफल होती है जब उसकी छवि यानी नारी की गरिमा को बरकरार रखा जाए। वास्तव में इस देश की हर मातृ शक्ति इसके प्रति जागरूक हो जाए कि हमारे यहाँ शक्ति की उपासना की जाती थी, माँ को जो है ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो हर माँ का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो अपनी संतति को, अपने संतान को, समाज को सुसंस्कारित बनाए। तो ये उसका पर्याय भी इसके पीछे छुपा हुआ है। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मंडा की पूजा की जाती है। समस्त स्वरूप समाहित है, बाघ की सवारी, अष्टभुजा धारी, मस्तक पर रत्न जड़ा, स्वर्ण मुकुट, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में कलश लिए माँ कूष्मंडा का रूप अत्यंत उज्जवल है। माँ के बाकी हाथों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण और अक्षमाला विराजमान है। आज देश में लोभ लालच की वजह से महिलाओं को दहेज की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ऐसे में माँ कूष्मांडा का रूप अस्त्र शस्त्र अन्याय पर न्याय का प्रतीक है, साथ ही महिलाओं को जागरूक करने का संदेश भी है। माता कूष्मांडा का वास सूर्य के मध्य में माना जाता है। सूर्य के मध्य में एक ऊर्जा का प्रतीक, एक शक्ति का प्रतीक और सारे संसार ब्रह्मांड का संचालन और पालनहार करने वाली शक्ति माता कूष्मांडा कहलाती है। और वास्तव में यह अनाहत चक्र, साधक जब चौथे दिन उपासना में पहुंचता है तो अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाता है। उस समय उसको समस्त रिद्धियां और सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रित कर त्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद माता यशस्विनी। श्रुति और समृद्धि की देवी माँ स्कंद माता। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ स्कंद माता महादेव की पत्नी देवी पार्वती हैं। सिंह पर सवार माता की चार भुजाएं हैं, दो हाथ में कमल दल और एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय को थामे हुए हैं। अपने पुत्र से स्नेह की वजह से ही माँ को उनके पुत्र स्कंद के नाम से जोड़कर पुकारा जाता है। समस्त ज्ञान धर्म कर्म को देने वाली माँ स्कंद माता का ये रूप नारी के ममतामयी स्वभाव को दर्शाता है। माँ का ये रूप प्रतीक है इस बात का कि माँ का प्रेम और स्नेह जीवन में कितना मायने रखता है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है और माँ के आंचल में स्वर्ग की अनुभूति होती है। यह प्रतीक अनाहत चक्र का है, जो विशुद्धाग्र चक्र में व्यक्ति जो है रहता है, साधक विशुद्धाग्र चक्र में प्रवेश कर जाता है, उसका एक अलग वो रहता है, सारे पाप ताप और संताप साधक के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह कहना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब का पालन करते हुए जो है और इस लोक में रहते हुए भी मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर जाता। चंद्रहासोज्वल करा
वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानव धातिनी देवी दानव धातिनी। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी कार्य सिद्धि की प्रतीक मानी गई है। एक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से खुश होकर उनकी इच्छा अनुसार माँ उनके यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ की पूजा की, जिसके बाद माँ कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शेर पर सवार चार भुजाओं वाली माता के बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वस्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। तेज की देवी माँ कात्यायनी का ये रूप स्त्री के मन में अंदर की शक्ति को उजागर करता है, जो जीवन में निडर रहने का संकेत देता है, ताकि वो हर परिस्थिति में बिना डरे अपनी पहचान को कायम रख सके। माता कात्यायनी की उपासना से एक बहुत बड़ा लाभ है कि व्यक्ति की बुद्धि और विवेक जागृत हो जाता है, उसको उसके लिए धन संपदा पुत्र संतति ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसके सारे कष्ट और कठिनाइयाँ भौतिक कष्ट कठिनाइयाँ जो हैं वो दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक के चरम को जो है वो छूने लगता है। नवरात्र के दौरान हमारे अंदर खुद ब खुद सकारात्मक विचार आ जाते हैं, जीवन शुद्ध विचारों की ऊर्जा से भर जाता है। देवी के दर्शन मात्र से ही मन का रोम रोम शांति सुख और आनंद से भर जाता है। लेकिन वास्तव में जब समाज में स्त्रियों का सच्चा सम्मान किया जाएगा, सही मायने में देवी दुर्गा की पूजा तभी सफल मानी जाएगी।